दोस्तों, अगर आपने हॉरर एंड स्केरी हॉस्पिटल का पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डॉक्टर डी इविलन को गुल्ली बुली और उनके साथियों को पकड़ने के लिए भेजता है और इविलन उनको ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर गुल्ली बुली अपने साथियों के साथ एक गाँव से होकर गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और ये सब लोग वहीं पास के एक वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी इविल नन भी उस गांव के अंदर इनको ढूंढते हुए आ जाती है और इविल नन इनकी गाड़ी को देखकर वहीं पर रुक जाती है। तभी इविल नन को एक मगरमच्छ दिखाई देता है और इविल नन उसके पीछे जाकर उसको मार देती है और खुद पानी के अंदर कूद जाती है। गुल्ली बुली अपने साथियों के साथ ये सब देखने के लिए वहां पर आते हैं, लेकिन तभी वहां डॉक्टर डी आ जाता है और पानी के अंदर से इविल नन भी इनको देख लेती है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इन सभी लोगों ने डॉक्टर डी को देख लिया है और डॉक्टर डी ने भी इनको देख लिया है और तभी इविलन पानी से निकलकर पीटर के भाई लल्लू पहलवान को मार देती है और ये सभी लोग ये देखकर एकदम से डर चुके हैं। गुल्ली इविलन को एक लात मार के पानी के अंदर गिरा देता है। गुल्ली कहता है कि ये तो लगता है मर गया बुल्ली, लेकिन तभी इधर डॉक्टर डी भी इनकी तरफ बढ़ने लगता है। शॉन डॉक्टर डी की तरफ देखकर इनसे कहता है कि गुल्ली बुली हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, ये डॉक्टर डी इधर ही आ रहा है। डॉक्टर डी इनके पास आकर इन सबको देख लेता है और शॉन कहता है कि तुम चाहते क्या हो डॉक्टर डी, अगर तुमने हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी डॉक्टर डी दौड़कर इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन डॉक्टर डी पानी के अंदर गिर जाता है और ये लोग पीटर के भाई को उठाकर गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं। पीटर कहता है कि गाड़ी चालू करने की कोशिश करो बुल्ली, हो सकता है उस वक्त तुम्हारी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया हो, अभी चालू हो जाएगी तुम्हारी गाड़ी। और ये सब लोग जीप के अंदर बैठ जाते हैं। शॉन कहता है कि बाबा के पास जल्दी से चलो बुल्ली, बाबा ही हैं जो हमें बचा सकते हैं अब, और अगर इस लल्लू पहलवान की किस्मत अच्छी रही तो ये भी ठीक ही हो जाएगा। और अरे, ये तो पीटर एकदम सही कह रहा था, गाड़ी चालू हो चुकी है। और ये लोग वहां से बाबा की तरफ जाने लगते हैं। बुल्ली कहता है कि पीटर तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा ना, तुम्हारा भाई जख्मी हो गया है। गुल्ली कहता है कि मुझे तो लगता है कि अब मरने की हालत हो गई है इसकी बुल्ली। बुल्ली कहता है कि अरे गुल्ली ऐसी बात मत करो, ठीक हो जाएगा लल्लू पहलवान। पीटर कहता है कि मेरे भैया मुझे भी पहलवान बनाना चाहते थे बुल्ली, मैं भी तब बोलूंगा पीटर पहलवान, लेकिन मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना गुल्ली बुल्ली। शॉन कहता है कि अरे पीटर तुम चिंता मत करो, तुम अभी हमारे बाबा को जानते नहीं हो, बाबा मरे हुए इंसान को भी बुला लेते हैं वापस, इतनी शक्ति है हमारे बाबा में, और तुम्हारा भाई हमसे पहले बाबा से ही मिलने आया था तुम्हें उस हॉस्पिटल से बाहर निकालने के लिए। पीटर कहता है कि मुझे तुम लोगों पर और तुम्हारे बाबा पर पूरा भरोसा है, चलो बाबा के पास। बुल्ली कहता है कि अरे गुल्ली ये तो सामने एक पत्थर रखा हुआ है, क्या किया जाए। शॉन कहते कि करना क्या है बुल्ली, उड़ा दो गाड़ी। और बुल्ली बहुत तेजी में गाड़ी को उस पत्थर के पार कर देता है। शॉन कहता है कि ये बात हुई ना बुल्ली, तुम लोग देखो डरा मत करो छोटी छोटी चीजों से। और थोड़ी ही देर में ये लोग बाबा के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अरे बाबा तो यहां पर है ही नहीं। शॉन कहता है कि अब ये बाबा कहां चले गए गुल्ली बुल्ली, अभी तक वो अपने दोस्त को घर छोड़ के वापस नहीं आए क्या। बुल्ली कहता है कि अरे हाँ शॉन, बाबा की बाइक भी नहीं दिख रही है यहां पर तो। लेकिन तभी बाबा अपनी बाइक पर बैठकर वहां पर आते हैं और बाबा इन लोगों से कहते हैं कि अरे तुम लोग यहां कहां से आ रहे हो गुल्ली बुल्ली, और ये नया लड़का तुम्हारे साथ में कौन है। बुल्ली कहते हैं कि बाबा क्या आप लल्लू पहलवान को जानते हैं। बाबा कहते कि हाँ बिल्कुल जानता हूं बुल्ली, क्या हुआ। पीटर कहता है कि मैं उनका ही छोटा भाई हूं बाबा, और मेरे भाई को उस इविलन ने मार दिया है, मेरे भाई को बचा लो बाबा जी। बाबा कहते कि ठीक है उसको मेरे पास लेकर आओ गुल्ली बुल्ली।
और ये लोग पीटर के भाई को गाड़ी के आगे रख देते हैं। गुल्ली कहता है कि इसको जिंदा करिए बाबा, और बाबा तभी लल्लू पहलवान को ठीक कर देते हैं। और लल्लू पहलवान कहता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना गुल्ली बुल्ली, और मेरा भाई कहाँ है? पीटर कहता है कि सब कुछ ठीक है लल्लू भाई, हम लोग बाबा के पास आए हैं और बाबा ने ही तुमको ठीक किया है। और अरे ये क्या, यहाँ तो इविलन आ रही है। इविलन गुल्ली बुल्ली और इनके साथियों पर हमला करने जा रही है, लेकिन तभी बाबा इविलन को लेजर से ब्लास्ट कर देते हैं। गुल्ली बुल्ली ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पीटर कहता है कि इविलन ने हमें काफी परेशान किया था बाबा, इसको मारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अरे ये तो डॉक्टर डी इस घर के पीछे से इनको देख रहा है। और अरे ये तो बाबा पर अटैक कर रहा है, लेकिन बाबा वहां से हट जाते हैं। और अरे ये तो बाबा ने डॉक्टर डी पर भी लेजर पावर से उसको ब्लास्ट कर दिया। बुल्ली कहता है कि बाबा आजकल तो आपकी पावर बहुत खतरनाक होती जा रही है, आप तो बिल्कुल आसानी से मार दे रहे हैं ऐसे दरिंदों को। बाबा कहते हैं कि बस प्रैक्टिस का नतीजा है गुल्ली बुल्ली, चलो अब ये सब छोड़ो, अभी तो हमें पिकनिक पर भी जाना है। पीटर और लल्लू पहलवान तुम लोग भी हमारे साथ चलो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही ऐसी न्यू वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।